ज्ञानमिर्तिमेव चाप्नोति दुःखनिमित्तमपिदं तेन सुलभं भवति च। भाग्यशालियो अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा की यह विशेषता थी, परमात्मा जो खुद के लिए चाहते थे वो ही जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए चाहते थे। मुझे सुख चाहिए तो इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं उन सभी जीवात्माओं को भी सुख प्राप्त होना चाहिए। मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है तो इस जगत में कोई भी जीवात्मा को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। भाग्यशाली हमारे वहां शास्त्रकार भगवंतों ने एक महत्व की बात बताई है, आप कितना भी धर्म करो, धर्म कितना किया वो जितनी महत्व की बात है उससे भी ज्यादा धर्म की पात्रता अंदर में कितनी उजागर हुई है वो उससे भी ज्यादा महत्व की बात है। आज तक शायद आप लोगों ने ज्यादा धर्म करने का शायद पुरुषार्थ किया है, मगर अपनी आत्मा को धर्म के लिए पात्र बनाने की कोशिश शायद आपने कभी भी नहीं की है। जैसे उपदान करने के बाद मोह का जहर को पिघाल के और सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके आत्म तत्व की रुचि उजागर होने के बाद आप सिर्फ एक नवकार मंत्र गिनोगे, एकाग्र चित्त से श्रद्धा से और पात्र बन के एक नवकार गिनोगे, वो एक नवकार भी आपके मोक्ष को निकट खींच के ला सकता। और ऐसी पात्रता प्रकट नहीं की है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, आत्मा की रुचि उजागर नहीं हुई, जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन नहीं हुआ और ऐसे ही पुण्य मिलता है उस लक्ष्य से या तो कुलाचार से आपने लाखों नवकार मंत्र गिन लिया, धर्म किया मगर धर्म की पात्रता नहीं थी, पात्रता नहीं होने की वजह से वो आपने गिना हुआ लाखों नवकार भी आपके मोक्ष को खींच के निकट नहीं ला सकता। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूं? तो अब समझदारी उजागर करके हमें क्या करना है, धर्म जितना करना है उससे भी ज्यादा धर्म की पात्रता को अंदर में प्रकट करना है। भगवान फरमाते हैं कि जीव मात्र के प्रति अपटपना का भाव होना चाहिए, दूसरे का दुख जो है वो अपना दुख बनना चाहिए और हर जीवात्मा का दुख को मिटाने की भावना अंदर में रखना। जहां ताकत है वहां दूसरे को हमेशा मदद करना, जहां ताकत नहीं है वहां कम से कम दर्द महसूस करना, वो पात्रता है। आप लोगों की हालत वो है भाग्यशाली, आप धर्म करते हो, शायद आपने जिसको खुद का माना है, जहां आपका स्वार्थ है वहां आप रुपया भी खर्च कर सकते हैं, मगर जहां आपका खुद का स्वार्थ नहीं है वहां दूसरे सामने वाला कितना भी दुखी हो मगर उसके लिए घिसाने के लिए आप जरा भी तैयार नहीं। समझ में आता है भाग्यशाली? भाग्यशाली धर्म के क्षेत्र में मान लो कि आपको रुपया व
वापरने का समय आया। किसी ने बोला कि ये कार्य सुकृत अपने संग में करना है। आप कितना जुड़ने के लिए तैयार होंगे, आप कितना जुड़ने के लिए तैयार होंगे भाग्यशाली बताइए। बोलेगा एक एक लाख रुपया खर्च करना है सभी को, आपका खुद का घर का प्रसंग नहीं है, श्री संघ का है, शासन का है, शासन का कोई कार्य आ रहा है तो आपको एक एक लाख रुपया का खर्च करना है। अब ताकत नहीं है ना, ताकत नहीं है, जीव क्यों नहीं चलता है, जीव क्यों नहीं चलता है भाग्यशाली? लोभ है, अपन पना का भाव नहीं रखा है। एक साल के बाद आपके लड़का या लड़की की शादी होने वाली है, कितना खर्च करेंगे? एक साल के बाद आपके लड़का लड़की की शादी है, कितना खर्च करेंगे? वहां शायद 50 लाख रुपया का, करोड़ रुपया का भी आप खर्च करते हो। मान लो कि ऐसा संघ का कोई कार्य, जैसे मान लो निर्भय की दीक्षा आई, जैसे के मान लो निर्भय की दीक्षा आई, तो क्या करो आप? अब क्या करो भाग्यशाली? या महोत्सव मनाना है, मान लो, मैं उदाहरण ही देता हूं, कुछ करना नहीं है आपको, चिंता मत कीजिए, यहाँ दीक्षा करना उस लिए भी आपका भाग्य होना आवश्यक है। जो आपका भाग्य नहीं है ना, तो वो लाभ शायद आपको नहीं मिल सकता, वो दूसरे नंबर की बात है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो कि निर्भय की दीक्षा रही, अब महोत्सव तो करना पड़ेगा ना, खर्च बिना महोत्सव होगा? उस महोत्सव में मानो के खर्च करना है, तो आप कितने तैयार? मेरी ये प्रेरणा होने के बाद तैयार होंगे वो अलग बात है, ये मैंने सिखाया, अब तैयार होंगे, तैयार होने का अवसर भी शायद आएगा या नहीं आएगा, मैंने बोला ना आपके नसीब में होगा, वो होगा। अभी वो सब पिक्चर खुलने वाला नहीं है, वो सब पिक्चर थोड़े दिन में खुल जाए। खर्च करना है तो उत्साह कितना होता है? भगवान के शासन को हमने अपना नहीं माना, भगवान के शासन को हमने अपना नहीं माना है, खुद का लड़का की शादी है। और आज आवाज अजीत ज्यादा है कि हर रोज इतना होता है? अपन इतने में बहुत फर्क लगता है, ठीक है, दो चार दिन सेटिंग करने में जाएगा, देखेंगे क्या करना है, ठीक है। नहीं, उसमें तकदीर की बात नहीं है, भावना की बात है भाई। तकदीर तो सेकंड नंबर में आएगा, भावना होनी चाहिए, अपन पना का भाव होना चाहिए। और आपकी सोच को थोड़ी सी आप बदल दो ना, तो भी उसमें परिवर्तन आता है। फिर से बोलू, आपके लड़के की दीक्षा, आपके लड़के की शादी है, कितना खर्च करेंगे? मान लो ना कल्पना से 50 लाख का, यहाँ 1 लाख का खर्च करना है मान लो, तो ऐसा मानना कि लड़के की शादी में मैंने 51 लाख का खर्च किया था, वो आपको जम जाए, 50 के बदले में 52 लाख, क्या फर्क पड़ता है? वहां एक दो आगे पीछे होता है ना, तो हम मन मना लेते हैं शादी है तो 1-2 लाख तो आगे पीछे होगा। आप ऐसा मानना, 50 लाख का खर्च इधर किया, 1-2 लाख का खर्च इधर किया, मेरी लड़के की शादी में मैंने 52 लाख का खर्च किया था, तो जम जाएगा। मगर वो लड़के के लिए 50 लाख 52 लाख खर्च कर सकते हैं, शासन का कोई कार्य है उसमें 1-2 लाख का खर्च आए मुझे नहीं, और भी करना ही है। तो उन्होंने कितना लिखा है? उन्होंने 21,000 लिखा है, उन्होंने भी 21,000 लिखा है, मेरा भी 21,000 लिख लो, क्यों? तो वहां आप समझो कि अपन पना का भाव नहीं है। जिन शासन में हमको अपन पना का भाव नहीं है, भगवान फरमाते हैं कि धर्म की पात्रता वो है
के जीव मात्र के प्रति और भगवान के शासन के प्रति अपनपना का भाव होना चाहिए। ये मेरे भगवान का शासन है, वो मेरा है। शासन को मजबूत बनाना वो मेरा कर्तव्य है। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है, तो भगवान के शासन के कार्यों में जितना मैं यूज करूंगा उतना उसका सदुपयोग है, और मैं सिर्फ परिग्रह करूंगा या तो संसार के कार्यों में उसका उपयोग करूंगा वो मेरी संपत्ति का दुरुपयोग है। मैं बात ये तो बात बीच में आई, तो सिखाना तो सब है आपको, इसलिए मैंने बोला भगवान की मैं बात कर रहा था। भगवान की मनोदशा कैसी थी? भगवान की मनोदशा वो थी, जगत के सभी जीवात्माएं मेरे तुल्य है, मुझे सुख चाहिए तो जगत के सभी जीवात्माओं को भी सुख प्राप्त होना चाहिए। मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है तो इस जगत में किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। और जब तक मेरी ताकत होगी ना भाग्यशाली, आप लोगों ने सुना है ना, भगवान ने पिछले से तीसरे भाव में क्या भावना की थी? सभी जीव करु, ऐसी भी भावना हो सकती है सभी जीव करु शासन रसी, और ऐसी भी भावना हो सकती है सभी जीव थाओ शासन रसी। ऐसा भी हो सकता है ना, सभी जीव थाओ शासन रसी, ऐसी भी भावना हो सकती है ना। दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क क्या? दूसरी बात जो बताई उसमें सभी को जीव शासन का रस प्राप्त हो इतना ही भाव है, और भगवान ने जो किया उसमें मैं सभी को शासन के रसी बना दू, यानी के मेरा खुद का पुरुषार्थ करके मेरी पूरी ताकत लगा के मैं उन लोगों को शासन का रसी बना दू, यानी के उसमें मुझे कुछ मेहनत करना है, यानी कि भगवान दूसरे के लिए स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार हो। समझ में आता है भाग्यशाली? तो ये औदार्य जो है ना, उस औदार्य ने ही भगवान को तीर्थंकर बनाया है। हमारी बहने मानती है हम विश्व स्थानक तप के 400 उपवास कर देते हैं ना, तब हमको तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा विश्व स्थानक तप की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है, सुना है? विश्व स्थानक तप में 20 उपवास की एक ओली, ऐसी टोटल 20 ओली करो, यानी के 400 उपवास जब होगा, हर 6 महीने में एक ओली पूरी करनी होती है, हर मिनिमम हर 6 महीने में एक ओली पूरी करना, यानी के 6 महीने में 20 उपवास मिनिमम करना होता, 6 महीने में 20 उपवास। तो ऐसी 20 ओली को विश्व स्थानक तप बोलते हैं। ऐसे विश्व स्थानक तप करने से पुण्यात्मा को तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। शास्त्र में लिखा हुआ इतना ही वाक्य हमारे श्रावक लोगों ने पकड़ लिया, मगर उसकी पात्रता क्या है? क्या 400 उपवास करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो जाता है? तीर्थंकर नाम कर्म इतना सस्ता है? नहीं, उसका प्राण वो है कि हर जीवात्मा के प्रति अपनपना का भाव होना चाहिए, किसी का भी दुख वो खुद का दुख बन जाए। हमारे शास्त्र में ज्ञानियों ने लिखा है इस जगत में सबसे दुखी में दुखी कौन है? इस जगत में सबसे दुखी से दुखी जीवात्मा कौन? शास्त्र में लिखा है सम्यक दृष्टि आत्मा वो इस विश्व का सबसे बड़ा दुखी होता है। सम्यक दृष्टि आत्मा, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो इस जगत का सबसे बड़ा दुखी आत्मा है। कैसे? हाँ पूछो कैसे, मैं बताऊं भाग्यशाली। एक माता है, अपना छोटा सा लड़का बीमार हुआ, बुखार आया, वोमिटें होने लगी, घर में कौन कौन दुखी होंगे? कौन कौन दुखी होंगे घर में? माता पिता। बुखार किसको आया है?
बुखार बच्चा को आया है और माता को दुख कैसे होता है? जिसको बुखार आया वो दुखी हो सकता है, माता को बुखार नहीं आया है फिर भी माता दुखी क्यों होती है? बच्चा को अपना माना, बच्चा को अपना माना है, इसलिए बच्चा का जो दुख है वो माता का खुद का दुख बन जाता है। इसलिए माता अंदर से दुखी रहती है। सही बात, सही बात, सही बात। ये उदाहरण इसलिए दिया, ये उदाहरण समझने के बाद सम्यक दृष्टि दुखी क्यों है वो आपकी समझ में आएगा। माता को बच्चे के प्रति ये प्रेम है, अपन बना का भाव है, वात्सल्य है, बच्चा को अपना माना है, इसलिए बच्चा का जो दुख है वो माता का खुद का दुख। अब मान लो कि माता का चार लड़के हैं, माता के चार लड़के हैं और चारे लड़के दुखी है, किसी को बुखार है, एक बच्चा अपंग है, दूसरा पैसा नहीं कमा सकता या तो उनकी पत्नी से वो दुखी है, ऐसे चारों बच्चे दुखी है, चारों बच्चे दुखी है, माता की हालत क्या होगी? चारों बच्चे का दुख वो माता का दुख बनेगा। बच्चा को तो अपना खुद का ही दुख सहन करना है, बच्चा को तो अपना खुद का ही दुख सहन करना है, माता को तो चारों बच्चों का दुख खुद को सहन करना है। समझ में आता है? तो सम्यक दृष्टि जो आत्मा है उनको निगोद से लेकर अनुत्तर विमानवासी तक 14 राजलोक में परिभ्रमण करने वाले एक इंद्रिया, दे इंद्रिया, दे इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, नारक के जीवो, तिर्यंच के जीवो, मनुष्य गति के जीवो, देव गति के जीवो, सभी जीवों के प्रति प्रेम प्यार है, सभी को वो खुद का गिनता है, ये सब मेरे हैं, ये सब जीवात्माएं मेरे हैं और सब दुखी, सब दुखी। उनके दुखों की जब सम्यक दृष्टि आत्मा कल्पना करता है तब वो स्वयं अंदर से दुखी रहता है, खुद को खुद का कोई दुख नहीं है, मगर जगत के जितने भी जीवात्माएं हैं उन सभी का दुख खुद का दुख जब बनेगा ना भाग्यशाली, तब ही आपका सम्यक दर्शन निर्मल बन सकता है। दूसरे का जगत के एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवात्माओं का दुख जब खुद का दुख बनेगा तब ही आपका सम्यक दर्शन निर्मल बन सकता है। और सम्यक दर्शन वो हमारी आत्मा की पात्रता है, उस पात्रता का उजागर होने के बाद हमने एक नौकार गिना तो भी वो नौकार हमारी आत्मा को तारने वाला बनता है। जब तक ये सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट नहीं हुई है, लाखों नौकार गिन लो शायद पुण्य मिल जाएगा, मगर आपकी आत्मा का उद्धार ऐसे नवकार से नहीं हो सकता है। समझ में आता है? ये सब आप सुनते तो हो, अच्छी बात है, सुनते हो वो भी अच्छी बात है, मगर व्याख्यान उठने के बाद उसके पर कोई स्वाध्याय होता नहीं या नहीं होता, उसके पर कोई स्वाध्याय वाक्यशाली होता है या नहीं होता है? बाद में स्वाध्याय करो ही तो ही वो आपके लिए परिणामदायक पुरवार होगा। यहाँ से उठने के बाद, आज भी यहाँ से उठने के बाद आप नीचे जाओ, आप घर पे बाजार में जाओ, वहाँ 10 मिनट निकाल के याद करना, गुरु महाराज ने बताया लाखों नवकार मंत्र गिनूंगा मगर दूसरे के प्रति अपनपना का भाव नहीं प्रगटा है, दूसरे का जो दुख है वो खुद का दुख नहीं बना है, आत्मा कोमल नहीं बना है, तब तक सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा। और जब तक सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा तब तक आप कितना भी नवकार गिनो वो तात्विक रूप से आपको इतना फायदा कारक नहीं बनेगा। समझ में आया? तो हमारे वहां शास्त्रकार भगवंतों ने धर्म करने की क्रिया को, धर्म को
जितना महत्व दिया है, आज शायद आप लोग तो धर्म को ही महत्व नहीं देते हो, आप तो पाप को ही, संसार को ही महत्व देते हो। भगवान का शासन मिला, निष्फल जाएगा, भक्तिशाली कम से कम परिवर्तन लाओ। ये सब सुन के आपको क्या करना है, आपकी आत्मा में परिवर्तन लाना है। अनंत काल से संसार का ही पोषण किया है, अब हमारी दिशा बदल के हमें मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़ना है। तो अनंत काल से आपने संसार को ही महत्व दिया, संसार को ही महत्व देना वो आपकी आत्मा की जघन्य कक्षा है। संसार को ही महत्व देना वो आपकी आत्मा की जघन्य कक्षा है। धर्म को महत्व देना वो आपकी आत्मा की मध्यम कक्षा है, मध्यम कक्षा। आप उच्च भूमिका में नहीं हो, धर्म को महत्व देते हो तो आप उच्च भूमिका तक नहीं पहुंचे हो। संसार को जो महत्व देता है वो जीवात्मा की जघन्य कक्षा है। धर्म को ही जो महत्व देता है वो जीवात्मा की मध्यम कक्षा है। और धर्म की जो अंतरंग पात्रता को महत्व देता है, धर्म की पात्रता को जो महत्व देता है वो उत्तम कक्षा है। सिर्फ धर्म कितना किया, इतने मां सक्षमण कर लिए, इतने जिनालय का निर्माण किया, इतने सालों से श्री संघ में गुरु भगवान को बुलाकर चौमासा करवाया, सफलता से चौमासा करवाया, इतना पोषण किया, वो धर्म है। ठीक है, जघन्यता से ऊंचे उठने के लिए मध्यम कक्षा में आप आ जाओ अच्छा है, मगर वो संतोषदायक भूमिका नहीं है। संतोषदायक भूमिका पाने के लिए फिर से इस वाक्य को आप अंदर में बार बार गूंजना है, जगत का कोई भी जीव का दुख वो मेरा दुख बन जाना चाहिए, चाहे वो मेरे सगे वाले हो या सगे वाले नहीं भी हो, चाहे वो मेरे गांव के हो या मेरे गांव के नहीं भी हो, चाहे वो मेरे समाज के हो या मेरे समाज के नहीं भी हो, चाहे वो जैन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी का, चाहे वो मनुष्य हो या तिर्यंच हो, चाहे वो पंचेंद्रिय हो या एकेंद्रिय हो, कोई भी जीव का दुख मैं नहीं देख सकता। जब तक मेरे पास समय है, जब तक मेरे पास ताकत है, जब तक मेरे पास समझदारी है, मैं दूसरे का दुख को मिटाने के लिए मेरा जीवन को पसार करूंगा, दूसरे का दुख मिटाऊंगा। जब तक मेरे पास ताकत है मैं दूसरे को दुखी नहीं दिख सकता। वो दूसरे जीवात्माओं के प्रति अपनपना का भाव, जो प्रेम का परिणाम, वो ही हमारे आत्मा की पात्रता है। और आज के पंचम आर्य में सबसे बड़ा जो कोई दुर्गुण हो ना संसारी जीवात्माओं का, तो वो स्वार्थीपना का भाव है। मुझे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, मेरे ईगो की परिपुष्टि होनी चाहिए, मेरी संपत्ति बढ़नी चाहिए, दुनिया का जो होना है वो होने दो, मुझे क्या लेना देना। आज का व्यक्ति स्वार्थी बना, स्वार्थ का जहर आपके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में छाया हुआ है। भाग्यशाली कितना भी धर्म करो, संसार में अनंत काल भटकना पड़ेगा। आप पात्र आत्माओं को रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ प्रतिक्रमण कर लिया, पूजा कर लिया, आमिल कर लिया, नौपत की होली कर ली, संतोष मत मानो, आपकी आत्मा का अवलोकन करो, अंदर में मेरे आत्मा की परिणाम की हालत क्या है वो दिख के अंदर की विकृतियां को मिटाना है, पवित्र भावों से वासित होना है, अंदर के स्वभाव को प्रकट करना है, अंदर के दुर्भावों को मिटाना है। भाग्यशाली उस लक्ष्य से आपकी आत्मा को आप तैयार करोगे तो ही आपका जन्म सफल बन सकता है। ये पात्रता के बिना कितना भी धर्म किया आपका जन्म सफल नहीं होगा। मैं मेरे भगवान की बात कर रहा था, मेरे भगवान कैसे थे, उन्होंने अनंत करुणा के सागर थे,
सभी जीव करु शासन रसी की भावना किया था। हमें वो बोल रहा था इस जगत के सबसे दुखी से दुखी आत्मा को निगोद कर जी। निगोद का भी जो जीव है ना, या तो नरक गति का जो जीव है ना, उसको तो सिर्फ खुद का ही दुख सहन करना है। या सम्यक दृष्टि आत्मा को तो जगत के सभी जीव अपने लगते हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा वो ही है। आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, इसलिए मैं ये थर्मामीटर आपको देता हूँ। आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये थर्मामीटर देता हूँ। मेरे भगवान ने दिया है ये थर्मामीटर, भगवान ने बताया तो खुद की जात को माप लेना। जगत के सभी जीवात्माओं अपना लगते हैं, अपने लगते हैं, चाहे यहाँ काम करने वाला मजदूर भी हो मगर उसमें भी अपन बना का, चाहे मुस्लिम हो वो भी अपना ही है। वास्तव में तो वो जीवात्मा है ना। मैंने दो दिन पहले भी शायद बोला था कि वर्तमान उनकी अवस्था क्या है उसको महत्व न देते, अंदर में रहा हुआ जो जीव है वो सिद्ध भगवान जैसा पवित्र है। आज उनको कर्म का किचड़ लगा है, कर्म का कादव लगा है, वो कर्म का कादव कल कभी भी उसका निकल जाएगा, तब वो भी सिद्ध भगवान बन जाएगा। इसलिए वो भी सिद्ध जैसा पवित्र स्वरूपी आत्मा है। आज कैसा भी हो, वो शब्द व्यसन से भरा हुआ भी हो, वो उनकी सिर्फ वर्तमान अवस्था है। मैं वर्तमान अवस्था को बाह्य दृष्टि से उनकी वर्तमान अवस्था को मैं महत्व नहीं देता हूँ। मैं मेरी अंतर दृष्टि से उनके अंदर में छुपा हुआ सिद्ध जैसा पवित्र आत्मा का दर्शन करता हूँ। इसलिए उसके प्रति भी मेरे हृदय में प्रेम भरता है। वो आत्मा की पात्रता, सम्यक दृष्टि आत्मा उनको निगोद का जीव भी खुद का लगता है, नरक का जीव भी अपना ही, मेरे ही भाई है। उन एक भी जीव का दुख वो नहीं दिख सकता है, इस विश्व के अनंत जीवात्माओं का दुख वो अपने सिर पे ले लेता है। उन सभी जीवों की संवेदना करके वो अंदर से दुखी रहता है, इन लोगों को मैं कैसे बचाऊ, क्या करूं। उस वजह से सम्यक दृष्टि आत्मा जो है वो निगोद के जीव से भी अंदर में एक अपेक्षा से ज्यादा दुखी होता है, वैसा शास्त्र में ज्ञानियों ने लिखा है। बोलिए सर, क्या हर समय दृष्टि आत्मा तीर्थंकर नाम उपार्जन कर? नहीं नहीं, हर सम्यक दृष्टि आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं कर सकता है। हाँ, हर सम्यक दृष्टि आत्मा कभी भी वितराग दशा प्राप्त करके, यानी के राग द्वेष मोह का झर का क्षय करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस भाव में ही वो आत्मा जरूर मोक्ष में जाता है। आज आप में से कोई भी आत्मा सम्यक दर्शन पाया हो, आज नहीं, 5, 50, 100, 10, 200, 500 भाव के बाद भी कभी भी आपको केवल ज्ञान और मोक्ष निश्चित होगा। जिसने एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया वो कभी न कभी निश्चित रूप से मोक्ष में जाएगा, मगर वो तीर्थंकर बनेगा ऐसी कोई खातरी नहीं। तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना होता है? सभी जीव, सभी सम्यक दृष्टि आत्माओं का लेवल कहाँ तक पहुंचता है? सभी आत्माओं का कल्याण हो जाओ। और जो तीर्थंकर बनने वाला है उसका परिणाम एक स्टेप आगे बढ़ता है, मैं सभी का कल्याण करूं। उसमें खुद की जात को वो खींच के घिस के लेके आता है, इसलिए वो तीर्थंकर बन सकता है। समझ में आया? तो सभी तीर्थंकर भगवान की आत्माओं ने भावना की थी, सभी जीव करु शासन। हाँ, फिर से एक बार उस बात को दोहरा कर मैं आगे चलता हूं कि धर्म करना जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा धर्म की पात्रता का निर्माण करना वो ज्यादा आवश्यक है। भगवान ने जगत के सभी जीवात्माओं का कल्याण चाहा और
कल्याण करने के लिए प्रभु ने अपने ज्ञान से दिखा कि जब तक ये जीवात्मा संसार में भटक रहा है ना, जब तक ये आत्मा संसार में भटक रहा है ना, तब तक स्वरूप का जो सुख है और शाश्वत सुख है वो इस आत्मा को मिलने वाला नहीं। जब तक ये जीवात्मा संसार में भटक रहा है तब तक मोक्ष का सुख इसको प्राप्त होने वाला शाश्वत सुख। शाश्वत सुख किसको बोलते हैं? भाग्यशाली शाश्वत सुख किसको बोलते हैं? जो सुख आने के बाद कभी भी वियोग होने वाला नहीं है। जो सुख आने के बाद कभी भी उसका वियोग होने वाला नहीं है, ऐसे सुख को शाश्वत सुख बोलते हैं। हर वक्त मैं ये व्याख्या नहीं करूंगा। शाश्वत सुख ऐसा शब्द प्रयोग करूं तो आपके दिमाग में चित्र प्रकट हो जाना चाहिए। तो भगवान ने चाहा जब तक ये आत्मा संसार में भटक रहा है तब तक इनको शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। मेरी कामना ये है एक बार मिल जाए फिर भी वो सुख छूट जाए, फिर भी वो दुख में गिर जाए, वैसा पसंद नहीं है। हमेशा के लिए वो सुखी होना चाहिए। तो इन जीवात्माओं को इस जगत का सबसे श्रेष्ठ सुख क्वालिटी में भी, जैसे भाग्यशाली मैं आपको बताऊं, एक झुपड़पट्टी में रहने वाला कोई आदमी है और कोई फ्लैट में रहने वाला है, तो दोनों में से आपकी नजर में सुखी कौन? दोनों में फ्लैट। दूसरा एक व्यक्ति है, ये फ्लैट में रहता है मगर दूसरा एक व्यक्ति है वो बंगले में रहता है, आपकी दृष्टि से इन दोनों में ज्यादा सुख वाला बंगले में रहने वाला? ये बंगले में रहता है और एक व्यक्ति है जो महल में रहता है, इन दोनों में सुखी को? महल में रहने वाला। इससे सुखी ये, उससे सुखी ये, इससे भी सुखी ये, उससे भी कोई चलते बड़े सुख वाले होंगे। मगर ऐसा कोई तत्व इस जगत में है जिनके लिए बोल सकते ये सबसे बड़ा सुखी, उससे ज्यादा सुखी कोई है? ऐसा कोई है? क्या बात है, भगवान जी बोलते आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद, आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। जो हृदय से बोलते हो तो हृदय से बोलते हो कि मैं आपसे भी ज्यादा सुखी, आप अंतर से नाभि से मानते हो तो शायद आपको सम्यक है, मगर सिर्फ मुझे भी मक्खन लगा भाग्यशाली। सर्वश्रेष्ठ इस विश्व में तीर्थंकर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले सिद्ध, तीर्थंकर से भी ऊंचाई पे है वो सिद्ध भगवान जो है, मोक्ष में गए, मोक्ष में गए जीवात्मा को सिद्ध भगवान बोलते हैं। आप भी मोक्ष में पहुंच गए तो आप भी सिद्ध भगवान बने। तो मोक्ष में जो गए हैं वो सिद्ध भगवान, वो इस विश्व में तीर्थंकर से भी ज्यादा सुखी अपेक्षा से, समझ में आया? और उनका जो सुख है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है, उससे उसी क्वालिटी वाला कोई सुख इस विश्व में हो ही नहीं सकता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ है और शाश्वत है, यानी कि आने के बाद कभी जाने वाला है। तो भगवान ने सोचा इन सभी जगत के सभी जीवात्माओं को मुझे ऐसे सुख के स्वामी बनाना है। भगवान अरिहंत प्रभु ने सोचा जगत के सभी जीवात्माओं को ऐसे सुख के स्वामी बना देना। उनको क्या लेना देना था बाकी सर? करुणा। किसके लिए चाह? अपने लिए, करुणा के सागर थे, खुद का तो मोक्ष निश्चित था, फिर भी उनका प्रेम ये था भगवान भगवान क्यों बने? दूसरे का कल्याण चाहा, दूसरे के लिए खुद ने कष्ट उठाया, दूसरे के लिए उन्होंने खुद की जात को घिस दी, इसलिए वो तीर्थंकर बने हैं। आप लोग भी, मैं बोलूं आप में से तीर्थंकर किसको बनना है? सब अंगुली खड़ी कर देंगे, तैयार, सब तैयार, तीर्थंकर सभी को बनना है। जो तीर्थंकर बनना है तो आज से शुरुआत कर दो, आपको जो संपत्ति मिली बनना है। तो मैं तो जो और तो की बात करता हूँ, आपको बनना है
रास्ता दिखाता हूँ, उस रास्ते पर आपको चलना या नहीं चलना मैं कोई दबाव नहीं करूंगा, आपकी मर्जी। मगर तीर्थंकर बनना है, संपत्ति का सदुपयोग नहीं करना है तो कैसे बनोगे? सिर्फ बातें करनी है, आपको तीर्थंकर बनने में रसी नहीं। नहीं नहीं, कर्म वर्म की बात छोड़ो, वो सब आपका प्रमाद है, आपका मोह का पोषण है, आपकी झूठ है, आपको ये बचाव है, आपकी वो आत्मवंचना है, आप खुद की जात को ठगते हो। कर्म कर्म की क्या बात करते हो, जो आपका कर्म होता तो ये सुनना भी नहीं मिलता। आप पुरुषार्थ छोड़ना है, कौन मना करते बताओ? आपके पास कितनी संपत्ति मुझे बता दो, आप नहीं खरीद सकते हो, मैं खर्चा दूंगा। कर्म भरम की बात तो आत्म ठगाई है, और आत्म ठगाई जैसा इस जगत में दूसरा कोई पाप नहीं है। आत्म ठगाई जैसा इस दुनिया में कीड़ी को मारने का पाप से भी ज्यादा, कीड़ी को मारने से भी ज्यादा, शराब पीने से भी ज्यादा, मांसाहार करने से भी ज्यादा सबसे बड़ा पाप है आत्मवंचना, खुद की ठगाई का। दूसरे के साथ ठगाई करो वो जितना बड़ा पाप है, उससे भी ज्यादा खुद की जात के साथ जो ठगाई करता हो ना, वो सबसे बड़ा पाप है। अब मूड हो, मूर्ख हो, संसार के कुएं में फंसे हो, मोह माया में चकचूर बनके एक पशु की तरह से आप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, आपको क्या पता है मुझे क्या जिन शासन मिला है, अध्यात्म का मार्ग मिला है, मोक्ष का रास्ता खोलने का अवसर मिला है, फिर भी आप बेभान होके और दूसरे पशुओं की जैसे संसार में खूब कर जिंदगी को बर्बाद करके भाव में भटकने की तैयारी करते हो। भाग्यशाली आप जैसे मूर्ख शायद मेरी नजर में कोई नहीं है, और मैं आपको गलत लगे तो मेरा प्रतिकार कर सकते हो, प्रतिकार कर सकते हो। मैं पूरी सोच और समझदारी के साथ सजाग दशा में बोल रहा हूँ भाग्यशाली। क्या बात चल रही थी? तीर्थंकर बनना है, आपको जो संपत्ति मिली, जो सोच मिली, जो तकात मिली है, उन सभी को दूसरे की सेवा में उपयोग कर, खुद का महत्व बढ़ाना नहीं है, उसमें क्या मिलेगा? जो मिला है दूसरे को सहाय करो, दूसरे को आगे बढ़ाओ, दूसरे का सम्मान करो, दूसरे को साथ दो, दूसरे के लिए जिंदगी जियो, दूसरे के लिए जिंदगी जियो। आपको पता है हमारे वहां शास्त्रकार ने बताया है, मान लो आज मुझे बुखार आया, आज मुझे बुखार आया, तो मेरे भगवान बोलते हैं पूरा दिन तू सोता रहे, मगर व्याख्यान के समय तो तुझे पद पे आना ही पड़ेगा। थोड़ी भी ताकत है तो ताकत का संचय करके पाठ ऊपर तुझे आना पड़ेगा। क्यों? तू स्वाध्याय नहीं करेगा तो तुझे अकेले को नुकसान, मगर तू व्याख्या नहीं करेगा तो यहाँ आने वाले 200 लोग में से जो दो चार लोगों को सम्यक्त्व प्राप्ति की संभावना है वो रुक जाएगी, वो पाप तुझे लगेगा। बुखार है तो भी तुझे ताकत नहीं है, आज शरीर में मजा नहीं है, फिर भी व्याख्यान के पाठ में आके जब तक तेरी ताकत है तब तक प्रवचन तो करना ही है, क्योंकि दूसरे पर उपकार करना वो जिन शासन का सार है भाग्यशाली, ये उपकार की प्रक्रिया है। मैं जो बोल रहा हूँ किस लिए बोलता हूँ, समझ में आया? तो मेरे भगवान ने चाहा जगत के केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवा जो मेरी ताकत हो, भगवान की कृपा से ताकत मिल जाए, इन सभी को बचा लेना, इन सभी को मोक्ष में पहुंचाना है। मैं आपको एक बात बताऊं भाग्यशाली, छोटा बच्चा होता है ना 3 साल का, ये अभी दोनों ऋतु मिक्स है, अभी सियाला चल रहा है, उन्हाला चल रहा है, या चौमासा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी सुबह में करीबन 3-4 बजे बारिश था, अभी मैंने 8 बजे बाहर में गया तो धूप आ रहा था। तीनों साल ऐसी सीजन में 3 साल का बच्चा को जुकाम हो गया, और जुकाम के साथ खांसी आ रही होता है ना। अच्छा, उस वक्त मम्मी क्या सोचेगी, उस वक्त मम्मी क्या सोचेगी,
बोलो ना, वो तो आप समझते हो मम्मी क्या सोचेगी। बच्चा का जुकाम और खांसी को मिटाना, बच्चा को आज 11 बजे के बाद डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनको दवाइयां दिलाना है, बच्चा की खांसी को मिटाना है। मम्मी सोचेगी या नहीं सोचेगी? अच्छा, मेरा यह प्रश्न है, बच्चा क्या सोचेगा उस वक्त? बच्चा क्या सोचेगा? भाग्यशाली जवाब दो तो, बच्चा क्या सोचेगा? समझदार है, समझदार नहीं बच्चा, तो बस मुझे पहली गोटी खेलना है, मुझे तो सिर्फ मोबाइल में पहली गेम रमना है। बच्चा तो खुद का खेलने में ही मस्त है। मुझे तबीयत अच्छी बनाने के लिए क्या करूंगा वो उनकी सोच में भी नहीं होता है। इसलिए तो उनको बच्चा को नादान कहते हैं, इसलिए तो बच्चा को नादान कहते हैं और मम्मी को समझदार कहते हैं। सही बात ना? सही बात। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बच्चा की जो हालत है कि खुद को झुका में खांसी है, फिर भी मुझे इसमें से छुटकारा पाना चाहिए, ये मिटानी चाहिए, वैसी सोच भी उनके पास नहीं है। खांसी मम्मी को नहीं हुई है, फिर भी बच्चे की खांसी मिटाने की सोच मम्मी के पास है। तो दोनों में समझदार कौन? दोनों में समझदार कौन? मम्मी समझदार है और बच्चा मेरे भगवान मेरी मम्मी जैसे, मेरे भगवान मेरी मम्मी जैसे है। उनको पता है कि मेरे ये सब जो बच्चे है ना, उनको अहंकार का जुकाम हुआ है। मेरे ये जो बच्चे है ना, उनको राग द्वेष की खांसी हो गई है। मेरे ये जो बच्चे है, उनको स्वार्थ का बुखार आया है। मेरा बच्चा अभी बीमार है, और उनका एक बच्चा बीमार नहीं है, दो तीन चार पांच नहीं, उनके लाखों बच्चे आज बीमार है और माँ एक ही है। एक ही माँ सोच रही है मेरे लाखों बच्चों को बीमारी में से छुटकारा दिलाना। वो समझदार है और हम सब भाग्यशाली। ये सब आप सुनते तो हो, मगर यहाँ से उठने के जाने के बाद कभी आंख बंद करके कोई संवेदना होती है या नहीं होती? मेरे भगवान मेरे माँ जैसे, मुझे क्या बीमारी है वो मुझे पता नहीं है, बच्चा को पता नहीं है, मुझे झुकाम है, खांसी है, बुखार है, बच्चा को पता नहीं है, वो नादान है। माँ को पता है कि बच्चा कितना बीमार है, मैं कितना बीमार हूँ मुझे पता नहीं है, उसकी गंभीरता का मुझे कोई ख्याल नहीं है। मेरी माँ को पता है कि मेरा बच्चा कितना बीमार है, और मुझे बचाने के लिए कभी बच्चा की बीमारी की वजह से रात के समय माँ भी उजागरा करती है या नहीं करती है? बच्चा की बीमारी की वजह से माँ रात के समय उजागरा करती है, उनको बुखार आया तो पानी के पोते सिर पे लगाती है, पाम खींचती है, उनका पैर दुखता है तो पैर दबाती है, दबाते दबाते बच्चा सो जाता है, माँ उनकी सेवा कर करके अपनी रात निकाल देती है। होता है, मेरी ये माँ ने भी ऐसा ही। आपने कितनी बार सुना कि मेरे भगवान महावीर प्रभु ने 12.5 साल तक घोर कष्ट सहन किया, किसके लिए? वो आपने कभी नहीं सोचा, सिर्फ भगवान ने 12.5 साल तक उपवास कर लिया, जो भी दैवी उपसर्ग आया, जो भी आया सब सहन कर लिया, उतना ही आप सुनते हो, मगर किसके लिए ये सब सहन किया कभी सोचा? मेरी माँ, उनको बताया इन सभी को बचाने के लिए मेरे पास केवल ज्ञान होना जरूरी है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब लोग इन लोगों को बचाने का मार्ग मैं नहीं बता सकता। तो आप लोगों को, यानी कि मैं भी उसमें आ गया, हम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने 12.5 साल तक घोर कष्ट किया है। मेरी माँ, मेरे लिए उन्होंने इतना सहन किया है, मेरी माँ मेरे लिए उन्होंने इतना कष्ट सहन किया और मुझे बचाने का पूरा मार्ग उनको पता था। 72 साल की उम्र में मैं मर जाने वाला हूं, उनको पता था कि
72 साल की उम्र में मैं मर जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बाद में आने वाले मेरे बच्चों की हालत क्या होगी? जैसे आप लोग आपके बच्चों के लिए भविष्य का व्हील करके जाते हो ना, आप लोग आपके बच्चों के लिए व्हील करके जाते हो ना, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे बड़े लड़के को देना, ये प्रॉपर्टी छोटे लड़के को देना, ये जो मेरी जंगम संपत्ति है, ये जो मेरी 5 करोड़ रुपया है, इसमें से 25 लाख रुपया लड़का के लड़के को देना, 21 लाख लड़की को देना, सब प्लानिंग करके जाते हो ना मरने से पहले। मैं संसार में रहा नहीं हूँ, ये सब सुना है इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा ही कर सकता जी जी। मेरे भगवान ने भी विल बना दिया, मैं तो 72 साल की उम्र में चला जाऊंगा, बाद में मेरे वंश में आने वाली जो पीढ़ी है उसकी क्या हालत होगी? उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने विल बना दिया, जो भी दीक्षा लेगा इनको ऐसे जीवन जीना, जो संसार में रहेगा श्रावक होगा इनको ऐसे जीवन जीना, जो सक्षम बुद्धिशाली और पुण्यवान है उनको तीर्थों का वहीवट करने के लिए ऐसे व्यवहार करना, ये सब प्लानिंग स्वरूप व्हील भगवान ने बना दिया। क्यों बनाया? मैं 72 साल की उम्र में मर जाऊंगा, बाद में आने वाले जो भी वंशज, जो भी नई पीढ़ी आएगी उनकी क्या हालत होगी? तो मरने से पहले हमारी चिंता करके उन्होंने पूरा व्हील बना दिया। मेरा प्रश्न है, ऐसे दया के सागर भगवान के प्रति भाग्यशाली आपके अंदर में ममत्व कितना? शासन का जो होना है वो होने दो, मुझे मर्जी होगी तो रात्रि भोजन छोड़ूंगा, मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं, मुझे मर्जी है तो भगवान की पूजा करूंगा, मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं, मुझे मर्जी है तो सामाई करूंगा, मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं। और भगवान के शासन के पर कोई भी आफत आई या तो भगवान के शासन का कोई भी कार्य आया तो उसमें आपको क्या लेना देना? मेरी मर्जी होगी तो मैं जुड़ूंगा, मर्जी नहीं होगी तो मुझे क्या लेना देना? ये आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की ये मानसिकता है। यहाँ कुछ सुकृत हो रहा है, वहीवटदार ने बोला कि आप जुड़ो, मेरी मर्जी होगा तो मैं योगदान दूंगा, इसमें मेरी मर्जी नहीं है मैं नहीं दूंगा। आपको शासन के प्रति कोई ममत्व, शासन के प्रति कोई वफादारी है या नहीं है? कितने निष्ठुर हो, जिस भगवान ने आपके लिए बोलते खुद का जीवन का सुख का भी भोग दे दिया, उस भगवान का कोई कार्य आया? मर्जी है तो जुड़ना, मर्जी नहीं है तो नहीं जुड़ना। भगवान के प्रति कोई प्रेम ममत्व जिम्मेदारी वफादारी का कोई परिणाम नहीं बाकी सर। कम से कम जो सुनने के लिए भी नहीं आते हैं ने, वो तो कम पुण्यशाली है, सुनने के लिए भी नहीं आते। ये हुबली में भगवान अरिहंत की ये वाणी बह रही है, मगर उसको कुछ लेना देना नहीं है, बस निजी स्वार्थ में संसार में फंसे हुए है, अनंत काल तक भटकना है तो यहाँ आने की बुद्धि भी उनको नहीं सूझती है, दुर्भाग्यशाली है। वो सब भारे कर्मी है, सुनने की इच्छा भी नहीं। आप पुण्यशाली हो, सुनने का भाव हुआ, सुनने का सौभाग्य की मिला, मगर यहाँ ही रुकना है कि यहाँ से भी आगे बढ़ना है भाग्यशाली, आगे बढ़ना है तो अंदर में बिठा हो, मेरे भगवान का शासन का कोई भी कार्य हो, मेरे हृदय में उसके प्रति कोमल भाव, लागुणी अपनपना का भाव होना चाहिए, कुछ न कुछ मेरा भी उसमें सहयोग, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, जो भी आपकी ताकत है। कोई आग्रह नहीं है कि इतना ही करना है, मगर अंदर में प्रीति और अपनपना का भाव होना, शासन के प्रति वफादारी होनी चाहिए। मेरे भगवान का कार्य हो रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं हिस्सा तो उसमें होना ही चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए नहीं, मगर मेरा भगवान का काम है ना, मुझे उसमें जुड़ के रहना, ऐसा भाव आपके अंदर में रखो और ये संवेदना करो, मेरे भगवान ने मेरे प्रति एक माता जैसा व्यवहार किया, सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए ये भी संवेदना आवश्यक है। आंखें बंद करके भगवान ने कितना योगदान दिया, जाने से पहले पहले मुझे बचाने के लिए उन्होंने विल भी कर दिया। मेरे भगवान कितने करुणा के सागर, वो मेरे माँ जैसे थे। तो मैं वो बोल रहा था कि बच्चा को जुकाम आता है, खांसी आती है, बच्चा को
उसकी कोई गंभीरता का ख्याल नहीं है। और शायद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने निदान किया कि बच्चा को टीबी हो गया। बाद में बच्चा कितना सिंसियर बनेगा? नहीं, 3 साल का बच्चा नहीं बनेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा को सिर्फ ये वातावरण की वजह से सिर्फ थोड़ी सर्दी, ऐसा नहीं, उनको टीबी हो गया। बाद में माँ की क्या हालत, अंदर से त्रस्त हो जाए, बच्चा को क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है ना, ये मेरी माँ, हमको कर्म का मोह का टीबी हुआ है, हम सभी को मोह का टीबी हुआ है। आप 3 साल के बच्चे हैं, हम 12 साल के बच्चे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि 12 साल का बच्चा को थोड़ा कुछ तो पता चलता है कि मुझे क्या हो रहा है, 3 साल का बच्चा को तो वो भी पता नहीं है, 12 साल का बच्चा को इतना तो कितनी गंभीरता वो भी इतना मालूम नहीं है, मगर थोड़ा कुछ पता चलता है कि कोई गंभीर बीमारी तो है। तो हम 12 साल के बच्चे जैसे, वो हमारी माँ है और आप सब 3 साल के बच्चे जैसे टीबी हो गया है। ये सब सुनने के बाद भी आपको कोई गंभीरता महसूस नहीं होगी, मगर उनका जीव कछवाता है अंदर में से, वो अंदर व्यथित हो जाता है। मेरे बच्चे की ये हालत है, सेम लगता है ना कि हमारी हालत ऐसी है, आपको लगता है या नहीं लगता? कुछ गंभीर बनाओ मनुष्य। भगवान ने हमको शाश्वत सुख दिलाने की भावना से साधना करके केवल ज्ञान पाया और हमको मोक्ष मार्ग बताया, जो तुझे इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सुख पाना है और वो भी शाश्वत काल के लिए पाना है। तो संसार में रहकर ऐसा सुख कभी भी नहीं मिलता है, ऐसा सुख पाना है तो संसार को मिटाकर तुझे मोक्ष में ही जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जो भी मार्ग बताया वो मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही बताया। संसार का कितना भी सुख, वो सुख कितना भी हमेशा टिकने वाला नहीं। आप लोग जो आज संसार के सुख में आसक्त हो गए हो, जिस संसार के सुख को बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, भाग्यशाली आंख बंद करके इतना हर रोज याद करो, मैं जो भी एकत्रित कर रहा हूं हमेशा टिकने वाला नहीं है। उसमें 2 हालत होती है, शायद जल्दी से पुण्य खत्म हो गया, आप जिंदा हो, आपके नजर के सामने ही ये सुख चला जाएगा, ये सुख आपको छोड़ के चला जाएगा। आपके हुबली में आज तक ऐसी कोई घटना आपकी नजर में आई है या नहीं आई है? आई है सर, कि जिसने वो खुद जिंदा रहा और खुद की नजर के सामने प्राप्त हुआ सुख चला गया। आपकी नजर के सामने कभी ऐसा कोई घटना नजर में आया है या नहीं आया है? आया है सर, बहुत बात है। जिसको जिसको नजर में आया हो वो अंगुली खड़ी करे। ऐसे भी लोग है कि जिनको नजर में नहीं आया, ठीक, तो वो दिख के भी आपको कुछ, मैं आपको बोलता हूं, आप आगे जा रहे हो, आप रास्ते में से जा रहे हैं और आगे आपने दिखा फायरिंग हो रहा और 2-4 व्यक्ति का वहां ही खून हो गया, हत्या हो, आप पीछे जा रहे थे, वो आगे जा रहा था, जो आगे जा रहा था ना उनकी हत्या हो गई, 2-4 व्यक्ति आपके नजर के सामने फायरिंग हो गया, अब क्या करो? क्या बात, अटक जाओगे, वापिस घर पे लौट जाओगे या आगे चलोगे? एक बार तो रुक जाते हो ना, सोचते हो क्या करना, या तो घर पे वापिस जाऊंगा या तो जाना जरूरी है तो दूसरे रास्ते से जाऊंगा,
मगर अभी इस रास्ते आगे चलना अच्छा नहीं है, सोचते हो ना? तो आपके सामने ऐसे 5-15-25 लोगों की घटना हो गई, जिंदा होते होते ही उनका सुख चला गया। वो दिख के आपको कोई सोच अंदर में प्रकट नहीं होती है, अब मुझे संभाल के चलना है, इसके पर विश्वास रखना जैसा नहीं है, इसकी आसक्ति में मेरी आत्मा की बर्बादी करना नहीं है, कोई विचार भी नहीं आता है आप लोगों को? आपके सामने बना हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं, आपके नजर के सामने यह सब बन रहा है कि करोड़ों अबजों रुपया था, कितना बड़ा बंगला, कितनी प्रॉपर्टी, कितना मान, कितना वैभव, मगर अभी जिंदा है और सब जाने लगा, श्रीमंताई चल गई, प्रॉपर्टी भी बेच देनी पड़ी, नहीं दिखते हो? ऐसा लगता है बोलते हम तो वो बेवकूफता उसे संभाल नहीं सका, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो हमेशा साथ में लेके जाऊंगा। मैं इतना ही बोलूंगा, वो भी ऐसा ही सोचता था। अगर ये हालत हो गई है, नहीं लगता? वास्तव में बोलूं ना, इतने मूड बन गए हो, सोच भी नहीं चलती, दिमाग आपका बंद हो गया। सोचो, सोच नहीं चलती है। कभी आपने सोचा? कभी आपने ऐसा सोचा शायद मेरी भी ये हालत हो सकती है? इतना भी विचार आया है? अगले भाव नहीं, अगले भाव की छोड़ो, अगले भाव की छोड़ो, इस भाव तक भी आपकी सोच नहीं पहुंचती है, मैं वो बोल रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल सत्य है, उसमें तो कोई सर्वज्ञ भगवान को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे नजर के सामने हम दिख सकते हैं कि शायद मैं जिंदा हूं और मेरे नजर के सामने ही सब संपत्ति मुझे छोड़ के चले जाए। शायद पुण्य लंबे समय तक टिक गया तो संपत्ति आपको छोड़ के नहीं जाएगी ना। तो दूसरी बात सुनो, शायद पुण्य लंबे समय तक टिक गया, संपत्ति आपको छोड़ के नहीं जाएगी ना, तो आपको संपत्ति छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ना तो है, या तो वो आपको छोड़ेगी या तो आपको इनको छोड़ना। जो छूटने वाला है उसमें विश्वास करके, उसके पर ममत्व करके जीवन को बर्बाद करना, वो मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसलिए हमारे भगवान ने बताया, जो विनाशी है उसके पर विश्वास करना जैसा नहीं है, जो विनाशी है उसके पर विश्वास करना जैसा नहीं है, जो हल्क कर भी, जो सम्यक दृष्टि है, जिसका मोह और मिथ्यात्व का जहर पिघला है, उनको भगवान के भगवान का वचन अच्छा लगता है, वो भगवान के वचन पर विश्वास करके अपनी आत्मा का कल्याण का रास्ता पकड़ लेता है। जिसको ये भगवान के वचन पर प्रीति है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये ही कल्याण का मार्ग है, ऐसा अंदर में बैठ गया है वो आत्मा सत्व उजागर करके अपनी आत्मा का कल्याण का रास्ता पकड़ लेता है। और जो मूल आत्मा है वो पूरी जिंदगी आशा में रहकर संसार में बर्बाद, अपनी आत्मा को बर्बाद करके संसार के चक्कर में फंस जाता है। सोचो, निंद में से उठो, बाहर निकलो। आपके लिए आज सवार हुई है, यानी सुबह शुरू हुई है, भगवान का शासन का आराधना करने का मौका मिला है ना। आपके लिए दिन उगा है, इस दिन को सफल बना लो। भाग्यशाली भगवान ने बताया, मोक्ष में जो सुख है, आप लोगों को शायद प्रश्न होगा, महाराज साहेब मोक्ष में सुख क्या है? वहां मिठाई मिलेगी नहीं मिलेगी? महाराज साहेब वहां गाड़ी बंगला मिलेगा नहीं मिलेगा?
प्रेम देने वाली पत्नी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे सर वह पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे सर वहां कोई हार दौरा करके तिलक करके हमारी प्रशंसा करेगा? नहीं करेगा। मैं बोलता हूं नहीं करेगा। आप ये जो चाहते हो, हमारे शास्त्र में एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति को खुजली का दर्द था, वो जंगल में रहता था। खुजली ही बोलते हैं हिंदी में, खाज खा जाती है, खाज खुजली एक ही है। मैं खुजली बोलूंगा, आप समझ खुजली क्या। उनको खा जाती थी और खाज मिटाने के लिए वो क्या करता, खुद के नाखून से अपनी चमड़ी को घिसता। कहां तक घिसा पता है? नाखून भी घिस गया। फिर भी खाज तो बहुत आती थी, अब क्या करे। वो जंगल में रहता था ना, तो आसपास में जो घास उगता था, घास सूखा घास, सूखा घास की जो सली, वो सली लेके वो घिसता। तो एक वक्त कोई नगरवासी व्यक्ति वहां से पसार हुआ, उनको बहुत अतृषा लगी थी। ये जो आदमी खाद वाला था ना, वो सामने मिला। ये नगरवासी ने इनको पूछा, मुझे बहुत तृषा लगी है, पानी कहां मिलेगा। वो भील था, उस भील ने बताया यहाँ कुआ है, ये कुआ में से आपको ठंडा पानी मिलेगा। नगरवासी ने वो पानी पिया और इनके साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद थोड़ा घंटा साथ में रहना हुआ, पता चला कि इनको बहुत खाज आ रही। जब खाज आती है ना, आप खनो, खनो ही बोलते हैं, आप खनो, तब कैसा महसूस होता है? उस वक्त कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है ना, खा जाती है। नहीं खनोगे तो बेचैनी रहेगी, और खनोगे तो मजा आएगा, अच्छा महसूस। उस नगरवासी ने भील को बोला, एक काम कर, मेरे साथ हमारे नगर में तू चल। हमारे नगर में ऐसा वैद्यराज है, तेरी खाद मिटा देगा। तब ये भील ने क्या पूछा पता है? अब ध्यान से सुनिए। भील ने ये नगरवासी को पूछा, मैं नगर में तो आऊं, मगर वहां ऐसे घास की सली मिलेगी? वहां ऐसे घास की सली मिलेगी? नगरवासी ने बोला, सली की क्यों चिंता करता है, सली की जरूरत ही नहीं रहेगी, तेरी खाल पिट जाएगी ना, सली की जरूरत भी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं, वहां जो घास की सली, ये घास की सली से मैं जब खनता हूं ना, तब मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। अब जो मेरी खाज मिट जाएगी और घास की सली नहीं मिलेगी, तो ये खनने की मजा कैसे आई। ये भील ने ये प्रश्न किया। भाग्यशाली बाद में क्या हुआ वो अपनी चर्चा का विषय नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये भील का जवाब आपको कैसा लगता है बताइए। ये भील का जवाब, भील तो समझते हो ना, ये भील का जवाब आपको कैसा लगा? भाग्यशाली नादान के लिए, नादान है भैया, तुझे जब खाज आती है ना, तो खाज को मिटाने के लिए घास से आपको खाज को मिटाना पड़ता है, और उसमें तुझे जो मजा आती है ना, घसने के समय मजा आएगी, बाद में क्या होगा, दर्द होगा, जलन होगा। जब घास से घसते हैं, घिसते हैं, तब उतनी सेकंडों तक मजा आएगी, मगर खिन खिन के घास छोड़ दिया, बाद में क्या होगा, कीड़ा होगी ना,
आपका संसार का सुख की ये हालत है, जब तक भोगवते हो ना तब तक घास की सली की जैसे आपको मजा आती है। फिल को घास से अपनी चमड़ी को घसने में जैसी मजा आती है ना, आपको संसार के पदार्थ रूपी जो सली है वो भोगवने में कितने समय थोड़ी मजा आएगी, मगर घास की सली जब फेंक दिया बाद में घसने के बाद हालत क्या होती है, जलन होने लगती है। वैसे ही संसार के सब सुख छूट जाने के बाद आपकी पीड़ा बढ़ जाती है, आप अंदर से बेचैन हो जाते हो, बाद में आपको अंदर में अर्थ ध्यान होता है और पुण्य खत्म होगा, हो गया, ये सब छूट गया, नहीं मिलेगा, बाद में आप संसार में दुखी दुखी हो जाओगे। खाज आ रही है, खनना भी पड़ता है, मगर खनने का सुख को सुख मानना वो भ्रमणा है, वो नादानियत है, वो आगे का भविष्य को बिगाड़ने वाला। वैसे ही संसार के जितने सुख है वो घास की सली जैसा अभी भोगवने में मजा आएगा, मगर ये छूट जाने के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। बिल ने कहा, वहां जाने के बाद सली मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसने मना कर दिया, जो वहां सली मिलने वाली नहीं है मैं नहीं आऊंगा, वहां सली मिलने वाली। मगर नगरवासी ने समझाया, भैया ये वैद्यराज जो हमारे वहां इतने अच्छे हैं, तेरी खाज को मिटा देंगे, तुझे खाज खनने की जरूरत भी नहीं रहेगी और तेरा आरोग्य स्वस्थ होगा ना, उससे तुझे जो ताजगी महसूस होगी ना वो ताजगी ये खनने से मिलने वाली नहीं है। नगरवासी ने ऐसा समझाया, मेरा आपसे प्रश्न है, इस घटना को आप किस रूप से दिखते हो, उस रूप से हम आपको दिखते हैं, इस घटना को आप जिस रूप से दिखते हो उस रूप से हम आपको दिखते हैं। आपका जो ये बंगला है, आपकी ये जो पत्नी है, आपका ये जो पैसा है, वो सब घास की सली जैसा है, और आपका ये जो भी पदार्थ है वो सब घास की सली जैसा है, और आपको तृष्णा की खाज लगी, आप लोगों को तृष्णा की खाज हुई है, इसलिए ये सब मीठा लगता है। मगर मैं बोलता हूं कि आपकी तृष्णा की खाज को मैं ऐसे मिटा दूंगा कि ये सब बंगला पत्नी पैसा रूप जो सली है ना उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं महाराज साहब, ये तो नहीं सहन हो सकता, ठीक है मरो संसार। मैं नहीं बोलता हूं, ये सब मेरे सर्वज्ञ भगवंत ने बताया। यहां जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, मोह की वजह से आपने आपकी बुद्धि का दुरुपयोग किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप पुण्यशाली हो, बहुत भगवान से नजीक आ चुके हो, थोड़ा मोह का जहर निकाल के स्वस्थ बुद्धि से इस सत्य को समझे समझने की कोशिश करो, और भगवान के पर विश्वास है, यह सत्य अंदर में समझ में आता है, शायद डर लगेगा, मोह का जहर अंदर में छाया हुआ है, मोह का जहर अंदर में छाया हुआ है इसलिए थोड़ा डर लगेगा, मगर कितने काम ऐसे होते हैं डर होने के बाद भी करना पड़ता है। व्यापार डर है मेरा पैसा फंस जाएगा तो, या तो कोई सरकार का कोई प्रॉब्लम आएगा तो, या तो मेरे गिनती में शायद मैं गलत पुरवार हुआ, मैंने जो गणित लगाया था उसमें कुछ चेंज हो गया और फंस गया, तो व्यापार शुरू करते हो तब ये सब डर लगता है या नहीं लगता, व्यापार शुरू करते हो तब ये सब डर लगता है या नहीं लगता, तो क्या व्यापार करने का छोड़ देते हो, नहीं छोड़ देते, शायद
डर भी लगेगा, डर लगेगा तो आप क्या करोगे? अच्छे सफल व्यापारी की सलाह लेके आगे चलोगे, मगर व्यापार तो करना ही पड़ेगा जी। भाग्यशाली शायद डर लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा जो सफल व्यापारी है उनके पास सलाह मार्गदर्शन लेके भी आगे बढ़ोगे ना। हमारे गुजराती में बोलते मांडवाल करना, मांडवाल करना यानी कि छोड़ देना, नहीं करना। ऐसा करते हो मांडवाल करते हो? नहीं नहीं करते। डर लगता है तो डर लगाना नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना। फिर भी डर लगता है तो और दो सफल व्यापारी की सलाह लेके भी आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ता है। वही बात है, हमारे वहां भी समझदारी प्राप्त हो गई तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी डर लगता है। ये सब पदार्थों का आकर्षण है, यह सब छूट जाएगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तो क्या? और जो सफल व्यापारी, मैं कैसा सफल व्यापारी लगता हूँ या निष्फल व्यापारी लगता हूँ? सफल व्यापारी। सफल व्यापारी का मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ो। विश्वास तो है ना, गलत सलाह नहीं देंगे। इतना तो विश्वास है ना, गलत सलाह नहीं देंगे। सफल व्यापारी की सलाह लेके जो आत्मा अभी फंसे नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो अभी तक संसार में फंसे नहीं है या तो फंसे है मगर जिम्मेदारी ज्यादातर पूर्ण हो गई है। हमारे निर्लेप रत्न विजय महाराज की जैसे कहां गए, 6 महीना पहला 69 साल की उम्र में दीक्षा लिया, 6 महीना पहले। उनको पूछो कैसा लगता है, लगेगा वो तो पूरा बुढ़ा होके लिया। जवानी में 2 बच्चे को जन्म दे के हमारे उपशम रत्न विजय जी महाराज, तीर्थ रत्न महाराज और मंत्र रत्न महाराज के पापा, उन्होंने भी करीबन 47 साल की उम्र में शादी करने के बाद भी बुढ़े अभी तक नहीं हुए, 47 साल की उम्र में। ये सब उन्होंने भी शायद मेरे उस वक्त के शब्दों में कोई समझाने का तरीका शायद इससे थोड़ा अलग होगा, मगर ये सब सुन के उनकी आंखें खुल गई। उनको लगा कि मैं फंस गया हूँ, मगर अभी मैं बुढ़ा नहीं बना हूँ, 10-20 साल मेरे हाथ में है, 10-20 साल का सदुपयोग करके मेरी आत्मा को बचा लेना, निर्धारण कर दिया, निकल गया। 70 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, 50 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, हमारे जैसे 10 साल 12 14 15 18 साल की उम्र में भी ले सकते हैं। समझ खुल गई तो उसको उम्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो भाग्यशाली हलू कर्मी, ये समझ, हाँ ये समझ में आपको कोई क्वेश्चन है, मन में कोई शंका है तो गुरु महाराज के चरणों में प्रश्न करके क्लियर करो, मगर विजन क्लियर करके। मैं आपको प्रेम से बोलता हूँ, आपको बचाने के लिए बोलता हूँ, मेरा और कोई भाव नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि यह परम सुख का मार्ग है, ये आपकी जेल का कुआं है, इसलिए आपको बचाने के लिए बोल रहा हूँ। जो फंसे नहीं है वो सावधानी से, हाँ आपको महल पैसा गाड़ी बंगला पत्नी परिवार ये सब पिला घास के तरखले जैसा लगता है, उससे आपको बचाती है, मगर वो खाज का दुखी नहीं रहेगा। तो इन घास के तड़कले की जरूरत ही कहा, फिर भी जग जाओ, ऐसा मानव और बार बार मिलना दुर्लभ है, इसलिए भगवान ने शाश्वत जो स्वभाव में से प्रकट होने वाला जो मोक्ष का सुख है, वो मोक्ष का सुख अपने ज्ञान से दिखा है, हमारे प्रति प्रेम से हमको बचाने के लिए वो कल्याण का मार्ग भगवान ने अपन को दिखाया है। तो आज के दिन समय हो चुका है, यहाँ ही मैं मेरे प्रवचन को विराम देता हूँ, जहाँ से अटके हैं वहाँ से कल की प्रवचन धारा आगे चलाने की हम कोशिश करेंगे भाग्यशाली, मगर मैं इतने ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर व कान से सुन के आप संतोष मत मानो, अंदर में मंथन करो, अंदर में इस सत्य को ढूंढो और मोह का झार पिघल जाए, सत्य महसूस हो जाए। अभी भी बाजी अपने हाथ में है, निकल के आत्म सुख को पाने का हमें पुरुषार्थ करना है, आपकी आत्मा को तैयार करके ये जो ध्यान का मौका मिला है उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन करके अनंत जो स्वाभाविक सुख है उस सुख को पाने में आप सब पुण्यात्माएं सफल बनो, वही मेरी अंदर से मंगल कामना।